नमस्कार, आप देख रहे हैं जी नाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। जी नाइन न्यूज़ ने अपनी स्थापना का एक वर्ष का समय बड़े ही एक सुखद रूप में पूरा किया है और आज हम अपनी स्थापना का एक वर्ष बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस मुकाम पर पहुंचने में जी नाइन न्यूज़ की टीम ने बड़ा अथक परिश्रम किया है, क्योंकि ये एक स्पर्धा का युग है, चैलेंज हर कदम पर चैलेंज है। तो लेकिन जी नाइन न्यूज़ ने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उस चैलेंज को पूरा करके दिखाया है, और इसी की बदौलत आज हम एक वर्ष के भीतर इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से ये कंपटीशन है उसमें अपने आप को स्थापित करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन आज जी नाइन न्यूज़ ने जनता के बीच में जाकर और लीक से हटकर, क्योंकि जो परंपरागत तरीका चला रहा है उसको पीछे छोड़कर जी नाइन न्यूज़ ने नई तकनीकी अपनाई, नई सोच अपनाई और उसके बाद जनता के भीतर अपना विश्वास जमाया, जनता का विश्वास जीता है। और क्योंकि जब तक हम अपने जो दर्शक हैं उनके मन मुताबिक हम उनको चीज़ जब नहीं परोस के देंगे, तब तक कौन जी नाइन न्यूज़ को या कोई भी हो उसको तभी लोग पसंद करते हैं जब वो संतुष्ट होते हैं, और ये संतुष्ट करने का काम जी नाइन न्यूज़ ने किया। तो आइए, आज इस जी नाइन न्यूज़ परिवार में ये खुशी का अवसर है और एक वर्ष उन्होंने पूरे किए, तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं आज जी नाइन न्यूज़ के उस शख्स से जिसके मन में ये सोच आई कि क्यों ना जी नाइन न्यूज़ जैसा एक ऐसा चैनल मथुरा में ब्रजवासियों के सामने लाया जाए। और वो सोच लेकर जी नाइन न्यूज़ के आज इस जो पौधा लगाया आज से एक वर्ष पूर्व, और आज बड़े ही एक हर्ष के साथ प्रफुल्लित होकर ये पौधा खिलाए। तो आइए हम मिले चलता हूँ आपको जी नाइन न्यूज़ के जो हमारे चैनल के डायरेक्टर साहब हैं उनके पास। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आज जी नाइन न्यूज़ वर्ष ने अपना एक वर्ष पूर्ण किया है और आपने जिस सोच के साथ अपना ये स्थापना किया जी नाइन न्यूज़ की, तो आज जी नाइन न्यूज़ हर लोगों की जुबान पर है और लोग पसंद करते हैं, जी नाइन न्यूज़ को लाइक करते हैं और लोगों की तमाम शुभकामनाएं आ रही हैं जी नाइन न्यूज़ परिवार के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, सब मथुरा वासियों ब्रजवासियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको भी सुशील जी बहुत बहुत बधाई। सर, हम जानना चाहेंगे कि आज एक वर्ष आपने पूरे किए हैं और बड़े सफलता के साथ पूरे किए हैं, तो आज से ठीक एक साल पहले 20 जून 2021 को, उस वक्त तो दौर भी कोरोना का चल रहा था, विषम परिस्थितियां थी, ऐसे में आपके दिमाग में क्या सोच आई और क्या सोच कर आपने ये अपना जी नाइन न्यूज़ चैनल शुरू किया? एक्चुअली क्या है सुजय, पहले तो आप सभी को राधे राधे। और जी नाइन की स्थापना में सबसे बड़ा जो रोल था वो मेरे फादर का था, कि उनकी एक सोच थी कि न्यूज़ चैनल हो जिनके आम जन समस्याएं जो होती हैं पब्लिक से रिलेटेड वो शासन प्रशासन तक पहुँचे। मेरे फादर 2006 में एक्सपायर हो गए थे, तो उन्हीं से एक सोच बनी हुई थी कि आगे चल के, जब हमने 2008 में गुरुजी टेक्नोलॉजी स्थापना की थी। और देखिए, जो जी नाइन न्यूज़ का डायरेक्टर मिस्टर सनी मिश्रा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है कि तमाम लोग हैं और असली काम करने का मजा भी बन जाता है जहाँ सामने हमारे कंप्यूटर हो, हमारा कंपटीशन हो, स्पर्धा हो, और ऐसे में जब आगे बढ़ के आते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, और वो आप मिस्टर सनी मिश्रा के चेहरे पर देख रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि हमने कम समय में जो उपलब्धि हासिल की है वो लीक से हटके हमने जो काम किया है, जनता का जो प्यार जो समेटा है, बटोरा है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसी के साथ आज उन्होंने एक नई जो बात और कही है, उनका उत्साह कही है कि जल्दी हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने वाले हैं। अब तक तो आप केवल देखते हैं जब स्क्रीन पर रिपोर्टर्स दिखाई देते हैं या एंकर दिखाई देते हैं, लेकिन उस सब के पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, उनका जो मेहनत है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं, इस वक्त जो जी नाइन न्यूज़ के ब्रॉडबैंड के हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर गौरव शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई जी नाइन न्यूज़ के एक वर्ष पूर्ण होने की। आपको भी बधाई हो सुनील जी। तो आप, मैं सीधा सवाल करूंगा कि जिस तरह से आप ब्रॉडबैंड की सेवाओं को किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचाते हैं और कैसे वहां अपनी आपने पहचान बनाई है? पिछले कई वर्षों से हम लोगों की सेवा में कार्यरत हैं, लोगों का प्यार है, हमारी सेवाएं लोगों को अच्छी लगती हैं और उससे हमें प्रेरणा मिल रही है, तो हम ऐसी दौर से बढ़े चले जा रहे हैं और आगे और बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ब्रॉडबैंड में कौन कौन से पैकेज, क्या क्या सेवाएँ आप देते हैं लोगों को? हम ब्रॉडबैंड के अंदर मल्टी लेवल के हैं,
हमारे कई प्लान्स हैं जो हम अपने शेयर करते हैं कस्टमर को, जैसा कस्टमर को चाहिए होता है हम उसको प्लान उसके हिसाब से उनकी चॉइस के अनुसार है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सब कस्टमर को निराश नहीं होने देते हम, उसकी संतुष्टि हमारा कर्तव्य है, जो मांगते हैं हम उसको उसी तरह से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, निराश बिल्कुल नहीं करते हमारे कस्टमर को, कस्टमर हमारे लिए हमारा भगवान है। और आइए और आपको पूरे जीनाइन परिवार के नए सदस्यों से मिलवाते हैं, और हमारे साथ हैं मिस्टर नीरज। नीरज बहुत बहुत बधाई एक वर्ष पूर्ण होने की आपको। आपको भी बहुत बहुत। अच्छा नीरज आप बताइए आपका क्या काम है, आप क्या सेवाएं देते हैं यहाँ जीनाइन? हमारा एडिटिंग का काम है। एडिटिंग का, किस चीज की एडिटिंग करते हैं आप? स्पेशल स्टोरीज आती है उसको, किस तरह की स्टोरीज होती हैं आपके यहाँ? ज्यादातर मथुरा पर होती है, धाम पर होती है, धार्मिक धार्मिक स्टोरी, राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की होती है, किसी भी तरह की स्टोरी है, किसी भी तरह की ज्यादातर स्टोरी के लिए जो आपके पास पूरा जो इसका मैटर है वो सब कहाँ से आता है, सारी चीजें कैसे? ये हमारी टीम है, टीम पर करती है, टीम के साथ काम करती है। आपके रिपोर्टर्स कैमरामैन जाते हैं वो कैप्चर करके लाते हैं, वो सब आपके पास आता है? जी जी सारा आता है। जब उसको तैयार करते हैं जी, फिर उसको तैयार करने के बाद आगे हम वर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं, उससे वो टीवी स्क्रीन पर पब्लिश होता है, ऑनलाइन होता है। तो देखिए ये थे नीरज जो इनका काम है स्टोरीज तैयार करना। आइए आपको अब और सेक्शन में ले चलता हूँ मैं, ये एडिटिंग सेक्शन ही है पूरा, और आप देख रहे हैं कि नीरज थे और नीरज स्टोरीज पर काम करते हैं और यहाँ न्यूज़ पर काम करते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ हुकुम सिंह हैं। आइए हुकुम सिंह जी से बात करेंगे। हुकुम जी बहुत बहुत शुभकामना बधाई एक वर्ष पूरा होने की। आपको भी बधाई हो। अच्छा आप क्या एडिटिंग में यहाँ संभालते हैं काम, किस तरह की एडिटिंग करते हैं, क्या तैयार करते हैं? मैं पूरी न्यूज एडिटिंग करता हूँ, न्यूज़ खबरें। हाँ तो उसे खबरों के लिए सारे वीडियोस वगैरह सब कहाँ से कैसे आपको प्रोवाइड होते हैं? जो हमारे रिपोर्टर होते हैं फील्ड से वो हमको प्रोवाइड कराते हैं और उनको मैं एडिट करता हूँ। अच्छा कुछ चीज़ें आपको स्पेशल चाहिए होती है तो आप उनको अपने संपर्क में रख उनको बताते हैं कि? जी जी उनको मैं सब कुछ बता देता हूँ, जिस जो मुझे चाहिए डाटा उनको। हाँ और तैयार करने के बाद फिर उसको ऑनलाइन कैसे होती है? तैयार करने के बाद मेरे साथ सुनील है, मैं उसको दे देता हूँ, वो ऑनलाइन करता है। देखो ये रहे यहाँ के सीनियर एडिटर हुकुम सिंह, और काफ़ी वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, और आज जीनाइन न्यूज़ पर आप जो भी कुछ भी देखते हैं उसमें इस ही एडिटिंग टीम का बहुत बड़ा योगदान है। अब हमारे साथ सुनील सिंह हैं। सुनील जी आज एक वर्ष पूर्ण किया है आपने, बहुत शुभकामनाएं बधाई आपको। आपको भी बधाई हो सर। अच्छा आपकी क्या सेवाएं रहती हैं जीनाइन न्यूज़ में? सर मेरा काम यहाँ ऑनलाइन कराया था, ऑन एयर करना है, जो भी डाटा मेरे पास आता है स्कॉल हो या ब्रेकिंग हो या वीडियो हो, जो भी सारा डाटा है मैं ऑन एयर करता हूँ यहाँ से। तो वो सब आपको कैसे मिलता है, कहाँ से आता है आपके पास? मेरे पास एडिटिंग डिपार्टमेंट से आता है, और एडिटिंग डिपार्टमेंट में बाहर रिपोर्टरों के द्वारा आया जाता है। तो उसमें आपके पास जैसे कहीं से पूरी कोई एक ब्रेकिंग आई, वो तैयार होकर आई, तो कितनी जल्दी आप उसको स्क्रीन पर दिखा देते हैं? मेरा काम तो ये है जल्दी से जल्दी दिखाने का, और थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थे, वरना जल्दी से जल्दी दिखाने का एक दो मिनट लगता है बस। इधर आइए और इधर आपने ऑन डाला जी। कब से कर रहे हो ये काम, अगर हम बात करें आपका कितना एक्सपीरियंस है? मेरे को इस क्षेत्र में करीब 5 साल हो गए मेरे पास। लेकिन एक वर्ष आप जीनाइन न्यूज़ में से बता रहे हैं, उन बाकी के 4 साल और 1 साल का अगर अनुभव पूछे तो कैसा लगा जीनाइन न्यूज़ में काम कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जीनाइन न्यूज़ में काम करके। ये जीनाइन न्यूज़ की सफलता के जो सोपान है उसमें इसी तरह के एक मैं इनको हीरे कहूँगा, चाहे हुकुम सिंह हो, नीरज हो, सुनील हो, कि यहाँ आकर उन्होंने एक नई शैली से नई टेक्नोलॉजी के साथ जो काम किया है उसमें कुछ उन्होंने बताया, 5 साल का उनका जो करियर का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें जो 1 साल है वो बाकी के 4 साल को काफ़ी पीछे छोड़ रहे हैं। आइए अब आपको जीनाइन न्यूज़ में जो मुख्य किरदार की भूमिका में निभाते हैं और आपके जनता के बीच में आपके बीच में जाते हैं, और आप उन्हें कहीं ना कहीं उन चेहरों को देखते ही आप समझ जाएंगे क्यों रोजाना वो आपके बीच में होते हैं और आपकी बात को आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और शासन प्रशासन जहां तक आपकी समस्या को पहुंचाते हैं। तो आप देखेंगे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं जीना न्यूज़ के, हमारे साथ श्याम मनु चतुर्वेदी हैं, विवेक चतुर्वेदी हैं, प्रतीक चतुर्वेदी हैं, तो ये सारे टीम हैं, और आप देख रहे हैं अभी फील्ड से आकर यहाँ बैठे हैं। तो मैं आप सभी को एक वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ।
सुशील जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी नहीं बहुत बहुत बधाई जी आपको भी हमको भी और जो दर्शक इसको देख रहे हैं सभी को आपके आप सभी के लिए जी नाइन का एक वर्ष पूरा होने पर शुभकामनाएं और इसी तरह जी नाइन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। देखिए मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे सबसे छोटे साथी एज ए रिपोर्टिंग टीम में प्रतीक जी। प्रतीक जी जनता के बीच में आप जाते हो किस तरह की आपकी जनता के जो समस्या है या उनकी जो बात है उसको कैसे उठाते हो और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ जी। जिस प्रकार से जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं और जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है या फिर उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए एक मीडिया का माध्यम है, उसी माध्यम से हम जीनान के सहयोग से कार्य करते हैं और जो जनता की परेशानियां हैं, जो जनता को परेशानियां आती हैं उन पर पूर्णतः हम कार्य करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ कि पब्लिक के बीच से उनकी कोई समस्या हो आपके पास, वहाँ से कोई सूचना आई, मैसेज आया, आप पहुँचे और उनकी समस्या का निदान हुआ हो, ऐसा भी होता होगा आपके साथ? जी जैसा कि आपके डैम्पियर में एक चंपा अग्रवाल बाल मंदिर है जहाँ पर काफ़ी दिन पहले कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से छोटे छोटे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उनको काफ़ी परेशानी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ पर नगर निगम जिस प्रकार से जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उनके द्वारा हमारे पास कॉल आया तो हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उस समस्या को उठाया तो नगर निगम के सहयोग से उस कूड़े को वहाँ से हटा दिया गया है और वहाँ पर अब जो पहले काफ़ी मात्रा में भारी मात्रा कूड़ा देखने को मिलता था अब वहाँ पर नहीं है और बच्चों को वहाँ पर कूड़े से निजात है। मेरे साथ हमारे साथी हैं मोनू श्याम, मोनू चतुर्वेदी काफ़ी लोकप्रिय है इनको मैं कह सकता हूँ पत्रकार मथुरा के क्षेत्र में। तो मोनू जी आपके अगर मैं चाहूँ तो जीना न्यूज में किस तरह से सेवाएँ आप देते हैं, क्यों पत्रकार की अलग अलग बीट होती है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तो किस तरह की सेवाएँ आप यहाँ देते हैं? सबसे पहले तो जीना न्यूज की दर्शकों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक साल पूरा हो रहा है, उनका प्यार हमें मिला, हमें भी जब हमारी खबर होती है उस पर भी प्यार मिलता है तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज जी नाइन न्यूज़ मथुरा का इतना लोकप्रिय चैनल हो गया है और सबसे ज़्यादा फॉलोवर की तरफ भी बढ़ रहा है। अब मैं अपनी बीट की बात करूँ तो इस समय मैं कलेक्ट्रेट देखता हूँ क्योंकि पूरा प्रशासनिक जो एक अमला है हाँ जो वहीं से है, वहीं से आप सारे विभाग वहीं हैं, सारे ऑफिसर वहीं बैठते हैं आते हैं, यदि कोई भी विवाद मथुरा में होता है तो वहीं धरना प्रदर्शन सबसे पहले वहाँ किया जाता है, किसी की समस्या यदि ज़िले में नहीं सुनी जा रही कहीं पर कोने में तो वो वहीं आता है, तो उसका प्रयास करते हैं हम उनसे जानकारी लेते हैं पहले, फिर उनसे बात करते हैं, फिर उनकी जो परेशानी है उनको अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो हो भी जाते हैं उनके काम, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि जो वहाँ पर गांव के कोने कोने से आ रहा है अपनी फरियाद को लेकर तो उसको हम पूरा करके उसे भेजें, उसे संतुष्ट करें। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस एक वर्ष का आपका है जो आपको आपके जीवन में कहीं ना कहीं यादगार के रूप में बना हो? अभी हाल ही की मैं बात बता दूं, एक बुजुर्ग थे जो कि महावन क्षेत्र दाऊ जी के थे, तो उनके घर तीन बच्चे थे, उन्होंने निकाल दिए उनको, वो मारे मारे फिर रहे थे और कई बार जिलाधिकारी कार्यालय भी आए थे, लेकिन कुछ ही अभी दो तीन दिन पहले ही हमने खबर लगाई है जी नाइन पर, तो उनके मैंने अधिकारियों से भी बात की, हमारे जो दाऊ जी में सब इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा, तो अब वो आए तो है नहीं, अगर उनका काम शायद हो गया होगा। कहीं ना कहीं जब जनता की समस्याओं को हल करते हैं तो उनको तो समाधान मिलता है और जब समाधान मिलता दिखता है तो कहीं ना कहीं आपको भी आप संतुष्टि होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है कि जनता की आवाज़ को उठाना, जनता की आवाज़ को उठाकर अधिकारियों तक पहुँचाना। बहुत सी चीज़ होती है अधिकारियों के पास नहीं पहुँच पाते हैं किन्हीं कारणों के, या संकोच बस कह लें या उनकी जानकारी नहीं होती, तो यदि कोई हमारे पास ऐसा आ रहा है और उस विभाग के संबंध बहुत से ऐसे होते हैं उनका काम जिलाधिकारी पर आते हैं लेकिन काम कहीं और का होता है, तो हम उनको भी सूचित करते हैं कि कैसे भी उनका काम जल्द से जल्द हो पाए और उनकी यदि खबर सच्ची है तो हमको प्राथमिकता से प्रसारित भी करते हैं अपने चैनल पर। हमारे साथ रहे श्याम मनु चतुर्वेदी और काफ़ी एक लोकप्रिय सुलझे हुए आप पत्रकार हैं, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। अब मेरे साथ हैं मेरे साथी विवेक चतुर्वेदी जिनको प्यार से हम आनंदा भी बोलते हैं। तो विवेक जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल ने आज एक वर्ष पूर्ण किया है जी। आप सभी के साथ साथ उन दर्शकों को बधाई हैं
जिनके प्यार की बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसे ही लगातार प्यार और स्नेह हमको मिलता रहे, जिससे कि हमारे काम करने में जो रुचि है वो और उसमें तेजी आए और जल्द से जल्द हम आपके पास पहुँचें और आपकी समस्या को लेकर आगे बढ़ें और उसका जल्द से जल्द समाधान। क्राइम की आप बीट देखते हैं, महत्वपूर्ण बीट है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी है, खतरा भी है, और समय पर पहुंचना भी होता है, फिर फटाफट उसको ब्रेक देना, फ्लैश कराना, तो कैसे सब करते हैं? सर, ये सूचनाओं के आधार पर होता है, जहां सूचना आती है वहां सबसे पहले पहुंचा जाता है, और पहुंचने के बाद वहां की स्थिति को भांपा जाता है कि किस प्रकार का वहां माहौल चल रहा है। जैसे ही मैं आपको हाल ही का किस्सा बता सकता हूँ, जो नरौली थाने पर अभी छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया, अग्निपथ के विरोध आंदोलन, अग्निपथ के विरोध में जहाँ छात्रों ने अपना उग्र आंदोलन किया, वहाँ माहौल एकदम से ऐसा हो गया कि एकदम से छात्र उग्र हो गए और उन्होंने पत्थर चलाना चालू कर दिया। इस बीच हम वहाँ मौजूद थे, दो पत्थर मेरे भी लगे, वहाँ काफ़ी जनता भी थी, अधिकारियों के भी काफ़ी लगे। वहाँ एक वाकया ऐसा हुआ था कि पीएसी का जवान अगर अपना हाथ इस प्रकार ना करता तो शायद हो सकता है वरिष्ठ अधिकारियों को भी चोटें आती, और वहाँ से जब भगे, गिरते पड़ते जिस तरह भी हो सकता था, क्योंकि माहौल एकदम से बिगड़ा, वहाँ उस समय अपने को संभालते हुए वहाँ कवरेज करना एक अपने आप में चैलेंज होता है, जिसको सहजता से स्वीकार करके हम कवरेज करते हैं, समय पर पहुँचते हैं, और फिर उसको पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दर्शकों आप तक आती है तो वह हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को वहाँ भांपा जाता है, उसको राइटिंग में उतारा जाता है, फिर वह तैयार कर एडिटरों के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। हमारे साथ रहे विवेक चतुर्वेदी, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हाल ही का बताया कि अग्निपथ के विरोध को लेकर जो आंदोलन में उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में रिपोर्टिंग की है। तो आइए अब आपको हम ले चलते हैं कि जो स्क्रीन पर जब आपको पहुंचता, सबसे पहले आपको जब रूबरू होते हैं तो स्क्रीन पर आप देखते हैं कि एंकर के साथ शुरुआत होती है, और एंकर ही आपको बताती है कि आप कौन सी न्यूज आप स्क्रीन पर देखेंगे और वो क्या न्यूज है। तो आइए अब आपको अपने एंकर सेक्शन में, स्टूडियो में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ जीना न्यूज आप तक ये सारी चीजें पहुँचाता है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं न्यूज़ सेक्शन के अहम पार्ट में, अपने स्टूडियो में, और इसी स्टूडियो से जितने भी लाइव टेलीकास्ट होते हैं या यहाँ से जो एंकर आपको तक जो न्यूज़ पहुँचती है उसके जो एंकर होते हैं, तो ये जीना न्यूज़ का स्टूडियो है। अब आपको हम मिलाते हैं अपने जीना न्यूज़ की जो लोकप्रिय एंकर हैं साजिया फारूकी, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और एक बड़े ही एक आकर्षक अंदाज में, अपने एक लहजे में जब वो समाचार पढ़ती हैं तो बर बस लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं। तो आइए आज आपको उन्हें साजिया फारूकी का आज हम खुद इंटरव्यू लेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे। साजिया एंकर के लिए तैयार हो रही हैं, अपना मेकअप कर रही हैं, एंकर्स को तैयार कर रही हैं। तो सबसे पहले साजिया, आज जीना न्यूज ने अपना एक वर्ष का सफ़र पूरा किया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। जी, मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी तहे दिल से। मेरे जी9 न्यूज़ परिवार को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने की खुशी में मैं अपने पूरे परिवार को और साथ साथ दर्शकों को तहे दिल से एक साल की मुबारकबाद देना चाहूंगी। साजिया, मैं जानना चाहूंगा कि एक साल का समय आपने जी9 न्यूज़ में व्यतीत किया है, इससे पहले भी आपने कई जगह एंकरिंग की है, तो उन जगह में और यहाँ पर आप कितना अंतर महसूस करती हैं, कहाँ पर देखती हैं जी9 न्यूज़ को? देखिए, सबसे पहले तो मैंने और भी जगह काम किया है, लेकिन जब से मैंने यहाँ काम किया है मुझे लगता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जी9 न्यूज़ एक हमारा परिवार है। मतलब मैं अपने घर से जब निकलती हूँ, जो मेरी टाइमिंग है शाम की, तो मैं एक घर से दूसरे घर तक पहुँचती हूँ। मतलब ये लगता ही नहीं है मुझे कि मैं किसी संस्था में काम कर रही हूँ या लोगों तक न्यूज़ पहुँचा रही हूँ, मुझे सिर्फ ये लगता है कि मैं अपने परिवार से एक और परिवार में आ गई हूँ, ये भी मेरा परिवार है। तो मुझे लगता नहीं है, मेरे बॉस, हमारे सभी साथी, रिपोर्टर साथी,
बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल परिवार की तरह हम सब मिलजुल कर काम करते हैं और आप तक सारी खबरें पहुंचाते हैं। देखा, साजिया ने बड़ी जिंदा दिली के साथ अपने जो कार्यशैली उसके बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, और वो हर संस्थान में अगर जब ये बातें होंगी तो निश्चित ही वो सफलता के पायदान में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वो जब घर से चलती हैं तो उन्हें मैं ऐसा महसूस होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक घर से निकल कर दूसरे घर में जा रही हैं। तो यहाँ की जो टीम है उन्हें वो सहकर्मी ना लगकर अपने परिवार के मेम्बर सदस्य की तरह लगते हैं, और तभी वहाँ काम करने में मजा आता है। बिल्कुल फ्री होकर खुले दिमाग के साथ जब काम किया जाता है तो वहाँ कहीं भी किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती और परफेक्ट काम होता है, और उसी का नतीजा है कि आज G9 न्यूज़ ने एक वर्ष में सफलताओं का वो शिखर हासिल किया है और उस मुकाम पर पहुँचे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि ये अभी कोई मुकाम नहीं है, मुकाम और उनकी मंजिल तो अभी बहुत आगे तक का सफर तय करना है। जैसे G9 न्यूज़ के हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, सनी मिश्रा जी ने, कि अभी हमें स्टेट और नेशनल लेवल तक जाना है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये तो केवल अभी उन्होंने शुरुआत की है, सफ़र काफ़ी लंबा है। तो हम आपको से यही उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह से आप हमें अपना प्यार इसमें देते रहिए, और G9 न्यूज़ की जो शक्ति है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, वो आप ही लोग हैं। आप ही लोगों की बदौलत हम ये सब अपना सफर तय कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि जो हमारे डायरेक्टर ने जो सपना देखा है, उनके पिता का जो एक लक्ष्य था, सपना था, उसी से प्रेरणा लेकर वो जो आगे बढ़े, निश्चित ही बहुत जल्दी वो पूरा होगा। और इसी तरह G9 न्यूज़ पर आप लगातार देखते रहेंगे सबसे पहले सबसे बेहतरीन और सबसे उच्चतम तकनीकी के साथ इस चैनल की, चाहे वो स्टोरीज हो या वो न्यूज़ हैं, खबर हैं, समाचार हैं, वो सब आपको इसी तरह मिलते रहेंगे। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।